हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम छोले बनाएंगे। छोले बनाने के लिए हम ये 2 कप छोले ले लिए हैं। इसे मैंने रात में ही भिगो दिया था। आप चाहे तो 5 से 6 घंटे भी इसे भिगो के रख सकते हैं। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे दालचीनी लिया है, काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, लौंग और तेजपत्ता। इसे बनाने के लिए 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 1 लहसुन का कली लिया है, अदरक और 1 हरी मिर्च। मैंने प्याज और टमाटर को बारीक काट लिया है। अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। अभी के लिए हम मसाले यूज करेंगे। ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ये जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये छोले मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें। बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें छोले डालेंगे। और 1.5 कप पानी यूज करेंगे। छोले को 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल करेंगे। ये देखिए हमारा चना बॉयल हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो जा रहा है। अब हम इसे हल्का फ्राई करेंगे। छोले बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें हम सरसों ऑयल डालेंगे। सरसों के तेल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें छोले डालेंगे और फ्राई करेंगे। दोस्तों छोला फ्राई हो चुका है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। दालचीनी, 1 इलायची, ये छोटा इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, ये लौंग। अभी हम इसे चलाएंगे। प्याज डालेंगे। प्याज को 10 से 15 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज पक चुका है, गोल्डन ब्राउन दिख रहा है, ये देखें। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी पका लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और जो मैंने मसाले बनाए थे उसे भी डालेंगे। मैंने जो मसाले लिए थे उसे भी इसमें ऐड करके भूनेंगे। मसाले
मसाला भून चुका है, ये देखिए तेल छूट रहा है किनारे में। अब हम इसमें भुना हुआ चना ऐड करेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी के लिए हल्का नमक और डालेंगे। और इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों छोला हमारा रेडी है, ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है।